बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए हमने हमारी ट्राउज़र की लेंथ 38 इंच है, इसलिए हमने माप के इस तरह से नीचे से पहले 2 इंच पे इस तरह निशान लगा लिया है। फिर हमने दरमियान में डिज़ाइनिंग के लिए 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाया है। उसके बाद दोबारा से इस तरह से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हम ट्राउज़र के पाचे की दूसरी जानब भी इसी तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से हम पकड़ के डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को। अपने पाचे को हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया और फिर जिधर हमने निशान लगाए थे, ये हमारा फोल्डिंग का कपड़ा है पांचे का, जिधर जिधर हमने इस तरह से निशान लगाए थे उसी तरह से बराबर के निशान लगा देंगे। अब हम इन साइड पर भी छोटे छोटे से कट लगा देंगे, जिस तरह से हमने इस वाली साइड पे लगाए हैं। इस तरह से हमने छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। अब हम कैंची की मदद से पहले ऊपर से कपड़े को कट करेंगे और ये ज्वाइंट लेस सिलाई करेंगे। इस तरह से दोनों कट से पकड़ेंगे और इस तरह पांचे को फोल्ड करके कैंची की मदद से कटाई कर देंगे। इस तरह से ट्राउज़र की नीचे वाली साइड अलहदा हो गई है और ये ऊपर वाली ट्राउज़र की साइड अलहदा है। पहले हम इसको साइड पर कर देते हैं। पहले हम ऊपर वाली साइड पे ज्वाइंट लेस लगाएंगे। इस तरह से लेस का उल्टा सीधा देख के उल्टी साइड इस तरह रखेंगे और किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है, फालतू लेस को हम कट कर देंगे और इस तरह से लेस को पकड़ के सीधा करेंगे और किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई हमने लगा दी है, देखें इसकी वजह से कितनी नीटनेस आ गई है। दूसरी साइड पे भी अब हम ये जो हमने ट्राउजर के नीचे से कपड़ा कट किया था उसको इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो हम हमारी साइड वाली सिलाई है इसको इस तरह से सिलाई के बराबर रखते हुए, ताकि हमारी सिलाई बराबर आए, इस तरह से उसी तरह से 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा लेते हैं। फिर से हम कपड़े को पलटेंगे सीधा करके, जिस तरह से हमने ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगाई थी इस वाली साइड पे भी उसी तरह से बारीक सी सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से इस तरह से कपड़े को खींच के पकड़ेंगे ताकि कपड़े में कोई बल वगैरह ना आए। ये देखें इस तरीके से हमारी जॉइंट लेस कितनी नीट और प्यारी लगी है। नीचे से भी हम उसी तरह से दोबारा से कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे, इस तरह से कट को बराबर करते हुए पकड़ेंगे और इस वाली साइड पे जो हमने कट लगाया था इस तरह से दोनों को पकड़ के कटिंग कर देंगे। ये पीस हम अलहदा कर देंगे, उसी तरह से लेस लगा लेंगे जिस तरह से हमने ऊपर वाली साइड पे लेस लगाई थी। अब ये जो हमारी ट्राउजर का नीचे वाला पार्ट है इसको भी हम इस तरह से पकड़ेंगे और सिलाई के साथ सिलाई मैच करते हुए उसी तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखें लेस हमारी लग चुकी है, ऊपर नीचे हमने 2 लाइनें लगा ली हैं। अब ये जो हमने दरमियान में कट लगाए थे इस पर डिज़ाइनिंग के लिए हमने ये तकरीबन 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है कपड़े की, सेम ट्राउज़र के साथ का कपड़ा है। इसको अब हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे
और हाफ इंच की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने इस तरह से हाफ इंच चौड़ी सिलाई लगा दी है। अब हम एक बड़ी वाली सुई लेंगे। इस तरह से हमने ये बड़ी वाली सुई ली है, उसमें डबल धागा डाल दिया है। इसको हम इस तरह से डोरी को खोलेंगे, खोल के और दरमियान में से इस तरह से सुई को गुजार के धागे को, और इस तरह से उल्टी साइड डोरी के अंदर डाल के इसको पलट के सीधा कर देंगे। नीचे से डबल धागा था उसको इस तरह से खींच के उसमें से सुई निकाल के, तो इस तरह से हमारी सुई बाहर आ जाएगी। दोबारा से भी हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम इसको प्रेस करके नीट कर लेते हैं। ये देखें, अपनी डोरी को इस तरह से हमने इस्त्री करके नीट कर लिया है। ये तकरीबन हमारे पास लेंथ इसकी 37 इंच है। इसकी अब हम ट्राउज़र के दरमियान में डिज़ाइनिंग पांचे पे करेंगे। इस तरह से हम पांचे को पकड़ेंगे दोनों साइड पे, जो हमने लेस लगाई थी और ये हमारे कट लगाए थे, इस तरह से कट से पकड़ेंगे और दूसरे कट से इस तरह से पकड़ के लेस को हम इस तरह से, ये देखिए अंदर से नज़र आ रही है, इस तरह से हम बराबर करके हल्के हाथ की मदद से आहिस्ता से इस तरह से प्रेस करेंगे। लेस को बराबर करते जाएंगे और हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर लेंगे। दरमियान का सीधा निशान बन गया है। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो चौक की मदद से भी हल्के हल्के से इस तरह से निशान लगा सकते हैं। और ये डिज़ाइनिंग बनाने के लिए इस तरह से हम डोरी को पकड़ेंगे। पहले हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करके इसका किनारा बनाएंगे इस तरह से। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लगे तो आप इस्त्री की मदद से पहले इस तरह से कपड़े को बिठा सकते हैं। इस तरह से हम इस तरह से, ये देखें, ये हमारा जिगजैग बन जाएगा। दरमियान में हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लगे तो आप प्रेस की मदद से इस तरह से प्रेस करके बिठा सकते हैं, जिससे आपको सिलाई लगाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। हम तो इसी तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से नोक बनाएंगे इसको बाहर की जानब इस तरह से रखते हुए बिल्कुल दरमियान में। नोक को इस तरह से सीधा करेंगे, फिर दूसरी साइड से इस तरह से बिल्कुल साथ मिला के फोल्ड कर लेंगे और हल्की सी सिलाई चला लेंगे। और ये दूसरी साइड से इस तरह से फोल्ड करके इसकी इस तरह से नोक बनाएंगे। इसी तरह से दोनों साइड से फोल्ड करते जाएंगे तो ये हमारा जिगजैग बन जाएगा। और इस सीधी लाइन पे जिगजैग को बनाते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमने जिगजैग बना लिया है। अब हम इसको ज़रा प्रेस कर लेते हैं हल्का सा जी। तो ये देखें, गर्मियों के हिसाब से बहुत ही प्यारा और हल्का फुल्का सा डिज़ाइन बनके हमारा तैयार हुआ है। नीचे से हम ये जो हमने 38 पे कट लगाए थे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और तरपाई कर देंगे। पहले हम
ये जो हमने जिगजैग बनाए हैं इन पे बीड्स लगा देंगे इस तरह से। ये वाले छोटे छोटे से हम बीड्स लगा लेंगे, चौथा धागा डाल लेंगे ताकि हमारे बीड्स मजबूती से लगें। एक किनारे से इस तरह से लेंगे और इस तरह से बीड्स को लगा देंगे और फिर दूसरे किनारे से इस तरह से सुई को निकालेंगे और एक बीड्स उठाएंगे, इस तरह से लगा देंगे। इसी तरह से हम सारे बीड्स को लगा लेंगे। हमने सारे बीड्स लगा लिए थे, ये देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।